का यहाँ का एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये जितने भी निशान दिख रहे हैं ना, ये सारे निशान ट्रेलर के ऊपर तक के लगे हुए हैं। यहाँ पर सारे सबके, आई थिंक हर दूसरे ट्रक ड्राइवर्स के ट्रेलर यहाँ से रिगड़ता है, पक्की बात है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ही रिगड़ता है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और अभी मैं निकल रही हूँ काम पर, एंड आज ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। आई डोंट नो आज बारिश होगी भी या नहीं, मैं मतलब वेट कर रही हूँ बारिश का। अब तो हो, इतनी गर्मी पड़ रही है, देखते हैं दिन कैसा रहता है। वेल, मैं इसे हुक करने का ट्राई कर रही थी, बट ये थोड़ा नीचे है, डाउन पे है ट्रेलर, और ये इसके साथ हुक नहीं हो रहा। तो मैंने इसकी ना, इसको प्लेट को उससे, जो वो रॉड होती है उससे नीचे की साइड कर दिया है। पहले ये ऐसे थी, इसको कर दिया ऐसे। अब इसकी सस्पेंशन को डाउन करती हूँ, फिर ये इससे हुक हो सकता है। मैं करके देखती हूँ, इसको कर देते हैं। मैंने कर दिया सस्पेंशन का बटन को ऑन, अभी वो डाउन हो रहा होगा, फील हो रहा है मुझे कि वो धीरे धीरे डाउन पे जा रही है। अब शायद इजीली हो जाएगा, आई थिंक अब हो जाएगा, अब तो हो ही जाना चाहिए। काफ़ी डाउन कर दिया, अब ट्राई करते हैं, यहाँ से देखकर पता चलता रहेगा। हो गया, हो गया। अब इसको कर देते हैं ऊपर। यस, ये अब हुक हो चुका है। अब इसकी वायर लगाती हूँ, ये हुक हो गया, अब वायर लगाती हूँ और लेग्स का ऊपर करती हूँ। ये दो दो ट्रेलर्स को लेके जा रहे हैं, एक बारी में दो दो ट्रेलर। इन फ्यूचर मैं भी ये कर सकती हूँ, अभी तो कुछ आइडिया नहीं, बट इन फ्यूचर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ले लूँ तब करूँगी। समटाइम्स तो इजीली हो जाता है, समटाइम्स हार्ड होता है, ऐसे डिपेंड करता है। वैसे ये तो न्यू सा लग रहा है, इसका ये जो रॉड भी है ये सब न्यू लग रही है, तो मुझे लगता है ट्रेलर की ना मेंटेनेंस हुई है, और ये नया डाला गया, ये वाली नई लग रही है बिल्कुल। जैसा कि आजकल होता ही है कि काम पर आओ और वो ज़्यादातर जल्दी बिल्स दे देता है, पंचिंग करते ही, और कहते हैं काम पर निकल जाओ, मतलब डिलीवरी करनी। सो आज भी एक ही डिलीवरी है, बट उसकी अपॉइंटमेंट है 9 बजे, सो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और अभी बस मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से, मतलब ट्रेलर मैंने बंद कर दिया, उसका डोर और सब कुछ मतलब डन है। सो अभी बस चलती हूँ। सो मुझे आइडिया था कि इसका ये जो इन्होंने बंद नहीं करा होगा डोर को, अब मुझे उसको पकड़ के स्ट्रैप को, इसको नीचे बंद करना होगा। सो स्ट्रैप को पकड़ने के लिए मुझे पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सो ये मैं ऊपर चढ़ गई हूँ इसके। फ़ोन होल्डर लाई इसके लिए, एक्चुअली दूसरे वाले ट्रक में मेरे फ़ोन होल्डर लगा हुआ है, सो मे बी जल्दी वो आ ही जाएगा ट्रक, बट अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए ले आई इसमें फ़ोन होल्डर। अभी लगा के देखती हूँ फ़ोन ढंग से लगता है कि नहीं। अभी खोला है मैंने, जस्ट अभी अनबॉक्सिंग करी है इस फ़ोन होल्डर की। ये ट्रेलर है जिसको मुझे वहाँ सामने ड्रॉप करना है,
पता नहीं आज सुबह ही इसने काम दिया है डिस्पैचर ने कि सीधे इसको जस्ट ड्रॉप करो उधर। पहले यहाँ पर एक छोटा ट्रक लगा था, अभी वो हट गया है और अब मैं यहाँ पर बैकअप करने जा रही हूँ जो फेडेक्स वाला बड़ा ट्रक है ना उसके साथ में। बस ढंग से हो जाए बिकॉज यहाँ की ना जगह लोकेशन थोड़ी ऐसी है, मतलब पूरा टर्न करके फिर करना पड़ता है। यहाँ पर लगाना है मुझे 4 नंबर पे, नंबर 4 पे यहाँ बैकअप करना है। मैं पहले पूरा टर्न कर रही हूँ ट्रक बिकॉज यहाँ ऐसे ही होता है मोस्टली, यहाँ टर्न करके ही फिर लगानी पड़ती है बैटरी, तो मैं पूरा पहले वहाँ तक लेके ऐसे जाऊँगी एंड देन लगाती हूँ उसके। बट पहले मैं इसके डोर ओपन कर लेती हूँ, कभी कैसे हो गया है ना अभी पूरा टेढ़ा हो गया है, अभी वहाँ तक जाके फिर ऐसे पीछे लेकर आना पड़ेगा। सो ये जो बगल में ट्रक था फेडेक्स का उसने निकाल दिया था एंड अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं ना ये एक जगह पर आई हूँ, यहाँ पर पिकअप करनी है मुझको, बट इनका ना थोड़ा सीन है यहाँ का, यहाँ पर ना थोड़ा सा ना पैकअप करने में दिक्कत आती है बिकॉज ये इनका जो है ये ऐसे नीचे है पूरा डाउन में ना, इसीलिए अब इनने कोन्स रख दिया। और वहाँ पर उनके सामने ना जो ये बनी हुई है जो वॉल है इस पर बहुत सारे निशान लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हर दूसरे ड्राइवर का यहाँ पर ना जो ट्रेलर है वो रिगड़ता होगा। मैं इसे पास से दिखाती हूँ एग्जैक्टली कैसा है यहाँ का। सो इन्होंने ना अब कोन्स लगा दिए बिकॉज पहले क्या होता कि यहाँ से ना हम ट्रेलर का जो टायर है वो उतने ऊपर से जाते हैं फिर वो नीचे एकदम डिसबैलेंस हो सकता है ट्रेलर, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अभी अभी लास्ट टाइम कभी कोन्स नहीं थी अभी रखी। बट मैं इनका यहाँ का एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये जितने भी निशान दिख रहे हैं ना ये सारे निशान ट्रेलर के ऊपर तक के लगे हुए हैं यहाँ पर सारे सबके, आई थिंक हर दूसरे ट्रक ड्राइवर्स के ट्रेलर यहाँ से रिगड़ता है, पक्की बात है यहाँ से बहुत ज़्यादा ही रिगड़ता है पूरा ये बने हुए ना रिगड़े, तो इसलिए थोड़ा देख कर यहाँ पे बैकअप करनी होती है। बैकअप में वैसे तो दिक्कत नहीं है खुला एरिया, बट सामने ये है और दूसरी बात यहाँ पर ये जो इस ऊपर नीचे के चक्कर में ना काफ़ी यहाँ पर है सीन, थोड़ा ढंग से लगाना पड़ता है यहाँ पर नहीं तो सीधे वैसे ही ट्रेलर रगड़ा मार जाएगा उनकी वॉल से। और वॉल भी ऐसी सी है, कोई वैसी नहीं है कि कोई कंक्रीट की हो या समथिंग, जस्ट नॉर्मल सी है। ये मैं इससे पहले एक लोड लेकर आई हूँ, इन्होंने ये सीधा यहाँ पर ही रख दिया है बिल्कुल ही फ्रंट में, और ये हैवी टीवी। मैंने उनको कहा कि स्ट्रैप कुछ लगा दो, तो कहते हैं वो है नहीं हम पर, और एक दो है तो वो हम अपने लिए रखेंगे लगाएंगे नहीं, मतलब कैसे से ही है ना। और यहाँ मेरे को कंपनी ने भी कोई स्ट्रैप नहीं दी कि मैं इसे कस सकूँ, बट थैंक गॉड मैं भी इतने बेकार रास्तों से आई हूँ और ये बिल्कुल सही रहा है। अभी स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर बैकअप, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ शायद पीछे का दिखे। ये भी ना साथ में ही दो ट्रेलर, एक ट्रेलर और एक ट्रक खड़ा है छोटा वाला, मुझे थोड़ा आगे करके सीधा लेके जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर ये छोटे ट्रक से टकरा सकता है, थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। इस जगह पर बैकअप पक्का आसान नहीं होगी, नहीं तो इतने सारे ट्रक ड्राइवर्स के जो ट्रेलर बिगड़े पड़े हैं एकदम रगड़ पड़ी हुई है,
इन्होंने अभी ये कॉर्न लगाई है, पहले कॉर्न नहीं थी यहाँ पर। अरे ये कुछ ज्यादा ही उस साइड जाने लग गया है, ये तो कॉर्न को भी गिरता हुआ निकल जाएगा। थोड़ा स्ट्रेट करके ही पीछे लेके जाना पड़ेगा। ट्रेलर लगेगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लोज पे पहुंच गया है। मुझे तो टेंशन है कहीं टीवी ना गिर पड़े नीचे, अगर टीवी गिर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अटेम्प्ट में लगेगी ये पिकअप, मतलब बैकअप कितने ही अटेम्प्ट में होगी आई डोंट नो। मुझे अभी एक्चुअली टीवी की टेंशन ज़्यादा है कि कहीं मैं ऐसे कुछ ख़राब तरीके से ना ले जाऊं कि टीवी गिर जाए। बहुत ही आराम से लगा रही हूँ ऐसे, आई थिंक अब लग जाएगी ढंग से। थोड़ा उधर ही ज्यादा जा रहा है ना, उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। इजी नहीं था। ये वाली बैकअप इजी नहीं है बिल्कुल भी। आगे सामने ना यहाँ पत्थर वत्थर भी बहुत रखे हुए हैं। अब शायद उम्मीद है कि ढंग से लग जाएगी, ऑलमोस्ट तो लगी गई है। लग गई, थैंक गॉड लग गई अब ढंग से। अब मैं अंदर कंपनी में जा।